हेलो गाइस, वेलकम टू चैट डॉक्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Amazon बेसिक की ड्राई एंड वेट वाली वैक्यूम क्लीनर के बारे में। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से वैक्यूम क्लीनर की वीडियो क्यों बना रहा हूं। तो एक्चुअली मैं बहुत टाइम से यहां पे प्रॉपर नहीं रह पा रहा था, इधर उधर कुछ काम से निकल जा रहा था या फिर बहुत सारे काम आ गए थे, इस वजह से मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं कर पा रहा था। बट अब मैं यहां पे कंटिन्यू हूं, सो कंटिन्यू वीडियो अब आती रहेंगी। तो क्यों मुझे खरीदना पड़ गया ये वैक्यूम क्लीनर, मैं आपको अभी दिखाता हूँ अपनी इस वीडियो में। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ एक छोटा सा रिव्यू कि ये वैक्यूम क्लीनर कैसा वर्क करता है। एक्चुअली में Amazon बेसिक का नाम जहाँ ही आ गया तो आप समझ जाओ कि वो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। Amazon बेसिक की प्रोडक्ट कम प्राइस रेंज में बहुत अच्छी आती है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है इस वीडियो में। साथ ही साथ मैं अपने रूम का हाल आपको दिखा देता हूँ कि कैसा हो चुका है मेरा स्टूडियो, जहाँ पे मैं वीडियो क्रिएट करा करता था। इसी वजह से मैं आज जैसे तैसे वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि उसका हाल बहुत ही बुरा है। तो आज मैं अपना पूरा सेटअप कंप्लीट कर ले रहा हूँ, कल से वीडियोस प्रॉपर आएंगी, अच्छे से आएंगी स्टूडियो के साथ में। तो चलिए आज बात कर लेते हैं फिलहाल इस वैक्यूम क्लीनर की कि कैसा है ये Amazon बेसिक का। एक्चुअली मैंने जब ऑर्डर करा था तो मुझे 4000 इसका कॉस्टिंग पड़ा था, 4079 रुपीज। बट आज जब मैंने रिसेंटली चेक करा Amazon पे तो इसकी कॉस्टिंग हो चुकी है 4300। तो अब ये 230 रुपीज महंगा हो चुका है, 20 रुपीज सॉरी। बट कोई दिक्कत नहीं है, ये पहले हम देख लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की कैसी है, वर्क कर रही है, उसके बाद ही आप सोचना कि आपको लेना है या नहीं। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपनी स्टूडियो का हाल आपको दिखा देता हूँ कि मैं आज ऐसे वीडियो क्यों बना रहा हूँ। एक्चुअली कल से वीडियोस बहुत ही अच्छे तरीके से आएंगे जैसे पहले आती थी, बट आज के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। मैं वर्क कर रहा हूँ, आज पूरा का स्टूडियो सेटअप हो जाएगा मेरा, कल से वीडियोज़ प्रॉपर आएंगी। तो फिलहाल तो ये हाल देख लो आपकी कैसा हो रखा है पूरा। ये देखो हर जगह बस धूल ही धूल है, हर जगह गंदगी। एक्चुअली मैंने इसी को साफ़ करने के लिए Amazon बेसिक का वैक्यूम क्लीनर मंगा भी रखा है। तो मैं आपको अभी एक क्लीन करके भी दिखाऊंगा कि कैसा ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, और इस प्राइस रेंज पे ये वेरी करता भी है या फिर नहीं करता है। तो मुझे तो टू द पॉइंट जहाँ लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये वैक्यूम क्लीनर बहुत ही अच्छा होगा। बट मैं बिना यूज़ करे कैसे आपको बता सकता हूँ कि ये कैसा है। ये देख लो आप, हर जगह धूल ही धूल है। ये आपको याद होगा मेरा चेयर, जहाँ पे मैं वीडियोस क्रिएट करा करता था बैठ के। बट कोई नहीं, हर जगह देख लो धूल ही धूल है, बहुत ही बुरा हो रखा है इसका हाल। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा वैक्यूम क्लीनर कैसा है और ट्राई करते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली इवनिंग में मेरे पास ये वैक्यूम क्लीनर आया, Amazon की तरफ से डिलीवर करा गया। डिलीवरी की बात करूँ तो बहुत ही फास्ट डिलीवरी हुई, विद इन 2 दिन लगे होंगे, 2 दिन के अंदर ही ये वैक्यूम क्लीनर मेरे पास आ गया। बस मैंने इसका ये वाला पोर्शन अभी ओपन करा है जो टेपिंग किया हुआ रहता है ऊपर में, बस मैंने वो अभी हटाया है। उसके बाद मैंने खुद भी अभी तक अच्छे से प्रोडक्ट को नहीं देखा है कि प्रोडक्ट कैसा है हमारा। बॉक्स की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये एक बॉक्स मिलता है, Amazon की रैपिंग नहीं मिलती है बॉक्स के ऊपर किसी भी प्रकार की, ऊपर में ही आपको मिल जाता है। यहाँ पे इसका लोगो का है या फिर डिज़ाइन के किस तरीके का ये है। तो चलिए अब बॉक्स को कर लेते हैं ओपन, ऊपर में है Amazon की ब्रांडिंग। अब कर लेते हैं बॉक्स को ओपन, देखते हैं कि अंदर क्या कुछ प्रोडक्ट मिलता है हमें। फर्स्ट टाइम मैं भी ओपन कर रहा हूँ, तो आपको अच्छे से डिटेल मिल जाएगा कि आप जब इसको ऑर्डर करोगे तो किस प्रकार से आपको ये मिलेगी। इसके अंदर ये रहा एक बॉक्स, इसको हटा लेते हैं। उसके बाद है ये Amazon की एक बुक, Amazon बेसिक की, जिसमें कि आपको सारा दिखाया गया है कि कंटेंट पाइपिंग वगैरह कैसे एडजस्ट होगी इसमें, कैसे ये वर्क करता है प्रॉपर, कितने टाइप के आपको सक्शंस इसमें मिलते हैं। एक्चुअली मैं ये इस रूम को साफ़ करने के लिए गुड इनफ है, ऐसा नहीं है इससे ज़्यादा भी आप क्लीन कर सकते हो, कार के लिए भी बहुत अच्छी है। तो इसको अभी फ़िलहाल के लिए साइड में रखते हैं, बाद में देखते हैं कि क्या कुछ है उसमें। तो सबसे पहले अगर बात कर लें तो ऊपर में आपको मिल जाती है ये कनेक्टर,
पाइपिंग, इसी से होगा सब कुछ कनेक्ट। उसके बाद मिल जाता है, एक सेकंड, ये इसके सक्शंस हैं जो कि डस्ट को सक करेंगे। ये पोर्शन हमारा एडजस्ट होगा सबसे लास्ट में, बेसिकली मुझे लगता है ये फ्लोर के लिए है। इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं उसके बाद। एक्चुअल मेन प्रोडक्ट हमारा ये है Amazon Basic की साइड से। इसमें एक आई थिंक 5 मीटर का ही एक वायर होगा। अभी इसको हटा लेते हैं। तो ये रहा हमारा मेन प्रोडक्ट Amazon Basic की ओर से, जो कि बहुत ही, मैं कहूँ तो क्लासिक है। इसको हटा के देख लेते हैं इसके अंदर क्या कुछ है। तो सिंपली आप ऐसे करोगे तो ये हट जाएगा। एक फंस रहा है, सॉरी। तो फिलहाल के लिए इसको कर देते हैं साइड। तो इसके अंदर में आपको एक मिल जाता है ये डस्ट बैग। हाँ, मेन थिंग हमारा ये रहा व्हील्स। व्हील्स दिए गए हैं इसके अंदर में, वही मुझे लग रहा था, बिना व्हील्स के तो बहुत ही हार्ड होगा पुश करना इसे। तो सिंपली अगर कहूँ तो एक्चुअली ये जो वैक्यूम क्लीनर है वो वेट और ड्राई दोनों के लिए है। तो ये बैग है, मैं इसको लगा के अभी आपको यूज़ करके दिखाऊंगा कि कैसे ये यूज़ होगा, ठीक है। अभी कर लेते हैं इसको साइड और देखते हैं बॉक्स में क्या कुछ मिलता है। तो बॉक्स में 2 एक्स्ट्रा पाइपिंग मिलती है लेंथ को बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ जो आपको सक्शंस मिले हैं इसमें उसको कनेक्ट करने के लिए। और क्या इसमें और भी कुछ हैं सक्शंस। तो हमारा बॉक्स हो गया है खाली फिलहाल। सो अब चलते हैं हमारे एक्चुअल प्रोडक्ट पे। तो अब मैं इसे यूज़ करके आपको दिखाऊंगा कि कैसा ये वर्क करता है। तो चलिए सीधा मेन एक्चुअल प्रोडक्ट पे हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि कैसा वो वर्क करता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अटैचमेंट्स लगा कर दिखा देता हूँ कि कैसे इसको अटैच करा जाता है। तो ये रहा हमारा, सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल जाता है Amazon Basic का लोगो, आपको दिख रहा होगा, बोल सकते हैं नाम ही काफ़ी है। हाँ, तो इसके अंदर आपको कनेक्ट करना है यहाँ पे डस्ट बैग, आपको मिलती है डस्ट बैग इसी के अंदर में। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसकी अटैचमेंट्स को अटैच करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाता है ये बड़ा वाला पाइप। तो सिंपली इसको यहाँ से करना है प्रेस और यहाँ पे लगा के कर देना है एडजस्ट, इसलिए ये इसमें कनेक्ट हो जाएगा। अब इस वाले नोजल पे आपको कनेक्ट करना है ये वाला पाइप, आप देख रहे होंगे इसके साथ में ही आपको मिल रहा है। तो इधर से हो गया आपका ये वाला पाइप एडजस्ट, ये आपको सक्शन पावर को हाई लो करने के लिए दिया गया है। अब इसमें आपको एक और अटैचमेंट मिलता है, उसको करना है कनेक्ट इस वाले अटैचमेंट को। अच्छे से कनेक्ट होने के बाद जैसा आपका फ्लोर है, जैसे कि आपको टाइल को क्लियर करना है या फिर वुडन है, हर चीज़ के लिए आपको अलग अलग इसमें अटैचमेंट्स दिए गए हैं। सिंपली मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ स्लिप में, अगर आप देख पा रहे होंगे हर एक चीज़ के लिए एक अलग अटैचमेंट दिया हुआ है यहाँ पे। जूम करके देख लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हो हर एक चीज़ के लिए। तो बेसिकली सबसे पहले मुझे अपना टेबल साफ करना है जो कि वुडन है, उस पर बहुत ज़्यादा डस्ट है। तो मैं सिंपली ये वाला अटैचमेंट को भी कर रहा हूँ अटैच। तो हमारा अटैचमेंट हो गया क्लियर, अब अटैच व्हील को कर लेते हैं अटैच। तो व्हील तो हमारा बहुत ही इजी कनेक्ट हो गया, सिंपली आपको प्लग कर देना है व्हील को इसमें और ये अच्छे से अटैच हो जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा हमारा कुछ कर रहा है। इसके बाद हमारा ये वाला पोर्शन जिसमें कि एयर फिल्टर लगा हुआ होता है, अब कर लेना है इसको प्लग। ये बैटरी
देखें अच्छे से, यहाँ से कर देना है आपको क्लॉक। सो इसको लॉक करने के लिए सिंपली आपको ऐसे करना है और इसे कर देना है, ये हो गया आपका लॉक। फिर भी आपको इधर से करना है, लॉक करते हैं इसे कनेक्ट, पता से करते हैं साफ। एक्चुअली ये वाला जो पोर्शन है, आई थिंक ये वाला पोर्शन ब्लोअर के लिए दिया गया है। ये वेट एंड ड्राई के साथ साथ एयर ब्लो भी करता है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये एयर ब्लो करता है। और फिर शुरू करते हैं। तो अभी दोस्तों दिख रही होगी आपको कि कितनी ज़्यादा धूल जमी हुई है यहाँ पे। एक्चुअली मैंने बहुत टाइम से यहाँ वर्क नहीं करा, इसलिए इतनी ज़्यादा धूल जमी हुई है यहाँ पे। तो चलिए फटाक से कर लेते हैं अपने इस वैक्यूम क्लीनर को ऑन, देखते हैं क्या कर पाता है ये कमाल। तो मैंने यहाँ से कर दिया इसे ऑन। Too late to reignite our flame.